मुद्दा चर्चा में है। चंडीगढ़ के हॉटस्पॉट एरिया बापू धाम को वहां के स्थानीय लोगों के विरोध के चलते मजबूरन प्रशासन को बापू धाम एरिया को खोलना पड़ा था। जैसे ही सोमवार को बापू धाम को खोला गया, इस पर भी राजनीति शुरू हो गई। होड़ लग गई बापू धाम खुलवाए जाने को लेकर श्रेय लेने की, और पहुंच गए चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप छाबड़ा और स्थानीय पार्षद दिलीप। जनता से कहने लगे, प्रशासन को हमारे संघर्ष के चलते बापू धाम खोलना पड़ा। चलिए अर्थ प्रकाश टीवी के कार्यक्रम मुद्दा चर्चा में है मैं आपको दिखाते हैं पार्षद दिलीप ने क्या कहा। अर्थ प्रकाश देखने वाले को तमाम दर्शकों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, इस वक्त हम खड़े हैं, सबसे पहले आपका स्वागत है, मुद्दा गर्म है प्रोग्राम के अंतर्गत, और आज हम खड़े हैं बापू धाम सेक्टर 26 चंडीगढ़ में, जो कोरोना के पेशेंट के लिए पूरे इंडिया में मशहूर रहा, जहाँ से मैक्सिमम कोरोना के पेशेंट पॉजिटिव कोविड 19 के पेशेंट पॉजिटिव निकले। जैसे ही यहां से कोविड 19 के पेशेंट कोविड पॉजिटिव निकले, प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई अपनी शुरू कर दी, एरिया को सील कर दिया, और काफ़ी हद तक ये एरिया सील रहा। लेकिन उसके बाद जब यहां पर स्थिति कंट्रोल हुई, उसके बाद प्रशासन ने अपनी धीरे धीरे से जो भौतिक मूलभूत सुविधाएँ प्रदान करनी शुरू कर दी, और यहाँ पर देखने को ये मिला कि जब ये भौतिक सुविधाएँ राहत देनी शुरू कर दी प्रशासन ने, तो यहाँ पर एक राजनीतिक तौर पर एक होड़ लग गई इस बात का श्रेय देने के लिए जनता के बीच में कि ये सुविधाएं हमने प्रदान की हैं। और इसके अंतर्गत हमारे बीच में आज बापू धाम कॉलोनी के काउंसलर दिलीप शर्मा जी मौजूद हैं, और हम दिलीप शर्मा जी से ये बात पूछेंगे और दर्शकों को भी वो बताएंगे कि आखिर में ये वास्तविकता क्या चीज़ है। दिलीप शर्मा जी, सबसे पहले नमस्कार आपका, इधर आ जाइए आप। दिलीप शर्मा जी, बापू धाम जहाँ से आप काउंसलर हो, एक मोस्ट सेंसिटिव एरिया चंडीगढ़ का, और उसके बाद जो आज की स्थिति है, पहले वहाँ के लोग कोरोना की मार से मर रहे थे, और आज यहाँ पर एक राजनीतिक होड़ सी लग गई है, और आप अपने बापू धाम कॉलोनी के दर्शकों को भी और चंडीगढ़ के दर्शकों को भी ये बताइए कि यहाँ पर वास्तविकता स्थिति क्या है। देखिए, जब से लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन के बाद जब बापू धाम के अंदर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आने शुरू हुए, तो उसको टोटली एरिया को कंटेनमेंट बना दिया गया था, और उसके बाद जो हमारे एसडीएम सुधांशु गौतम जी हैं, उन्होंने उसको बापू धाम को पूरी 20 पॉकेटों में बना दिया गया, उसकी 20 पॉकेट बनाई गई, और उसके बाद वहां पर प्रशासन के द्वारा जो मूलभूत सुविधाएं थी वो देनी शुरू हुई। कोरोना के पेशेंट निकलते चले गए, 240+ पेशेंट वहाँ से निकले हैं, लेकिन उसके बाद वन बाय वन करके 6 पॉकेटें पहले खोली गई, 6 पॉकेटें बाद में खोली गई, 7 पॉकेटें बाद में खोली गई, टोटल 20 पॉकेटों में से 19 पॉकेटें खोली गई, और 19 की 19 पॉकेटों में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो उन्होंने वहां पर जाकर झांका तक नहीं, लेकिन 15 नंबर पॉकेट जो कंटेनमेंट एरिया था, लगातार मैं प्रशासन से गुहार लगाता रहा, रिक्वेस्ट करता रहा, और हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद जी, संजय टंडन जी, तमाम हमारे जो अधिकारी थे वो भी प्रशासन से गुहार लगाते रहे कि जी एक बात बताना, जैसे आपने कहा कि प्रशासन से आपने गुहार लगाई, तो इस जो विकट स्थिति है बापू धाम की, इसके अंदर राजनीतिकरण यहाँ पर कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बताइए आप। देखिए, 15 नंबर पॉकेट में प्रदीप छावड़ा जी 200 पैकेट दूध के बांटने के लिए आए, और हम लगातार 3 महीनों से वहाँ पर जनता की सेवा में समर्पित थे, रात दिन हम काम कर रहे थे, प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, और वहाँ पर लोग कोरोना से पीड़ित ना हों उसके लिए प्रयास कर रहे थे, और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि आप मास्क लगाएं, अच्छी तरह से हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग रखें। लेकिन हमारे कांग्रेस के बुद्धिजीवी लोग वहाँ पर 200 पैकेट दूध के लेकर आए और वहाँ पब्लिक में बांटे, और वो ये वाक्य जब आपने ये बात की है कि 200 पैकेट बुद्धिजीवी लोग कांग्रेस के वहाँ पर बांटे, क्या उस वक्त सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया था? नहीं,
उस टाइम कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। आपने ये बात ऊपर बाज उठाई थी कि मैंने बार बार उठाई है, और वहाँ पर वो राजनीतिकरण उसका करने के लिए उन्होंने वहाँ पर एक ये उसमें आया कांग्रेस में कि इसका हम सारा क्रेडिट हम ले लें, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हम बापू धाम के लिए समर्पित हैं, बापू धाम की जनता के लिए समर्पित हैं, और बापू धाम हमारी है और हम उनके हैं, उसमें दूसरा कोई बीच में नहीं आ सकता। दिलीप जी, जैसे आपने अभी कहा कि बापू धाम हमारा है, हम बापू धाम के हैं, तो आप ये बताइए कि जो कोरोना के समय में जब ये विकट स्थिति थी चंडीगढ़ के लिए भी, हर रोज कोरोना के पेशेंट बापू धाम से ऐसे निकले थे जैसे गंगा गंगोत्री से निकल रही है, उस वक्त का एक्सपीरियंस क्या रहा आपको? देखिए, जब से ये कोरोना पॉजिटिव पेशेंट आने शुरू हुए, मैं उस दिन से लगाकर और जब से लॉकडाउन था तब से लगाकर और आज तक मैं पब्लिक के बीच में रहा हूँ, जनता के बीच में रहा हूँ, और उनको उनके सुख दुख में हमेशा खड़ा रहा हूँ। लेकिन कोरोना से, वायरस से, क्योंकि ये वायरस है, किसी को भी लग सकता है, अमीर गरीब सबको लग सकता है। तो क्या कारण था कि बापू धाम के अंदर ही इतने स्लम एरिया हैं चंडीगढ़ के अंदर, बापू धाम के अंदर इतने लोग हैं, इसका क्या कारण था? आपको इस बात का तो पता होगा ही ना। देखिए, वहाँ पर थोड़ा क्राउड ज़्यादा था, जनता ज़्यादा थी, उत्तर प्रदेश बिहार के लोग जो जाना चाहते थे प्रशासन के द्वारा एक अच्छी, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है ना? नहीं, प्रशासन की तरफ से मुझे नहीं लगता चूक हुई है, थोड़ी माड़ी मोटी चूक होती है, क्योंकि कोई भी अधिकारी जो है वो जब किसी फील्ड में उतरता है तो उसको एक्सपीरियंस नहीं होता, तो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस होता है। और आज मुझे लगता है कि हमारे प्रशासन की तमाम टीम, जिसमें SDM सुधांशु गौतम जी, हमारे SHO नरेंद्र पटियाल जी, DSP दलशेर सिंह चंदेल जी, रोहतास चौकी इंचार्ज जी, और तमाम विक्रम राणा जी और संजीव कोहली जी, तमाम उनकी टीम, मैं ये कहता हूँ कि ऐसी टीम सभी को मिले, और मुझे लगता है कि ऐसी टीम अगर लगातार काम करेगी तो मुझे आज की डेट में, आज की मौजूदा स्थिति के अंदर बापू धाम की क्या पोजिशन है ये देखिए। अपने केस हैं, देखो, बापू धाम में आज की तारीख में कोई केस नहीं है, बापू धाम बिल्कुल स्वच्छ है, सुरक्षित है, साफ़ सुथरा है वहाँ पर। और मैं चंडीगढ़ की जनता को ये अपील करना चाहता हूँ, जो अपने व्यापारी भाई हैं, जो यानी कि ठेकेदार लोग हैं, मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ कि बापू धाम की जनता को आप अन्यथा में ना लें, और उनको जो बेरोजगार हो रहे हैं उनको अपना रोजगार दें, उनको नौकरियां दें। अच्छा, आपने अभी ये कहा कि बापू धाम में कोई COVID-19 का पेशेंट नहीं है, फ्यूचर के अंदर ऐसे केस ना हो, इसके लिए आपने कोई प्लानिंग की है? बिल्कुल, मैंने लगातार, मैंने कम से कम 100 वॉलेंटियर मैंने लगा रखे हैं, और मैंने ये कहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, आप लगातार 20-25 मिनट के बाद अपने हाथ धोइए और मुंह पर मास्क लगाइए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये महामारी है, किसी को भी हो सकती है और दोबारा ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ की जनता को, कि वो उनको, बापू धाम वासियों को दूसरी नज़र से ना देखें, क्योंकि बापू धाम की जनता हमेशा चंडीगढ़ के लिए समर्पित है, चंडीगढ़ को बनाने में उसका भी बहुत योगदान है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आने वाले समय में कोरोना योद्धा के नाम पे चंडीगढ़ में बापू धाम का नाम होगा, क्योंकि जब भी अगर कभी चंडीगढ़ की जनता को प्लाज्मा की आवश्यकता होगी तो मेरी बापू धाम की टीम पूरे तरीके से तैयार है और वो प्लाज्मा देने के लिए तैयार। तो भाइयों बहनों, आपने देखा कि किस तरह से दिलीप शर्मा जी ने एक ये भी एक्सेप्ट किया कि बापू धाम में बहुत पेशेंट आए, लेकिन अपने लोगों पर उनको आस्था है कि अगर फ्यूचर के अंदर जैसे लोग ठीक होकर बापू धाम के अंदर आ रहे हैं, और फ्यूचर के अंदर अगर कोई प्लाज्मा की जरूरत पड़ेगी तब भी चंडीगढ़ को बचाने के लिए बापू धाम के लोग पूरी तरह से चंडीगढ़ के साथ हैं। और हमारी अर्थ प्रकाश की टीम, जैसे आपको पता है कि हर सेंसिटिव एरिया पर जाती रही है, आज हम बापू धाम जो सेक्टर 26 चंडीगढ़ का बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, और हमारे बीच में दिलीप शर्मा जी वहां के काउंसलर हैं, और आगे हम चलते हैं, हमारे बीच में नौजवान है कृष्णा। कृष्णा जी आइए बेटा, अब आगे चलते हैं, लोगों के व्यूज भी लेते हैं कि इन्होंने जो बात की वो कहां तक जाइए। कृष्णा जी नमस्कार जी, बेटे इधर आ जाओ आप बापू धाम के रेजिडेंस? यस। घर का नंबर वगैरह? मेरा घर का नंबर 241 फेस 1। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये बताइए कि यूथ की क्या भूमिका रही? यूथ की बहुत तगड़ी भूमिका रही, जिस हिसाब से इन्होंने कहा कि वॉलंटियर बनाए गए थे, उन्होंने अपना कार्य वो की संपूर्ण तरीके से निभाया, जिसको दवाई चाहिए थी उनको दवाइयाँ पहुँचाई हैं, जिसको कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड करानी थी वो एम्बुलेंस भी करवाई है, बहुत से वॉलंटियर हैं जिन्होंने सबके वॉलंटियरों ने पूरी मदद की गई है, यूथ ही था पूरा वॉलंटियरों में।
तो अब आप बापू धाम जैसे अब आज की डेट में पूरा यानी कंटोनमेंट एरिया से मुक्त हो चुका है, तो फ्यूचर के अंदर ऐसा ना हो, क्या आपने अपने यूथ के जैसे व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कोई ऐसा संदेश अपने व्हाट्सएप के माध्यम पे लोगों को दे रहे हो कि ऐसी बीमारी द्वारा से ना आए? डेली चल रहा है, एक हमारी इनकी तरफ से हमारी एक मानव सेवा वो संस्था बनी हुई, जिसके जरिए हर उसमें साथ में वॉलंटियर जुड़े हो, हर तरीके से वो दारी की सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क लगाया जाए, सैनिटाइजर हाथ धोया जाए, हैंड वॉश किया जाए, सब कुछ चल रहा है। तो प्यारे भाई बहनों, आपने देखा कि यहाँ पर हमारे बीच में बापू धाम के यूथ कृष्णा जी ने अपने विचार रखे, और मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।